तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ड्रायर है इसके ऊपर दो बोतल रखी हुई है। इसका कारण ये है कि ये जो ड्रायर है अभी तो ये बंद है, पर जब हम चलाते हैं ना इसको तो ये लोड मांगती है, यानी कि अगर मैं इस बोतल को हटा दूं तो मुझे ऐसे हाथ से ऐसे दबा के टाइट रखना पड़ेगा, जिसके कारण से देख भी सकते हो दबाने कारण से क्रैक भी आ गया। तो जब तक इसके ऊपर कोई दबाव ना हो तब तक ये ठीक नहीं होता है और ये ड्रायर नहीं करता है। तो जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, इसमें अगर इसमें कुछ कपड़े हों, ये ऐसे ओके, तो मैं कुछ सेकंड के लिए इसको बंद करता हूँ। ये पानी वाला है ना, तो ड्रायर अभी चला नहीं ना, तो देखो अभी ये चल नहीं रहा है। मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा, देखिए आवाज़ आनी शुरू हो रही है, घूमना शुरू हो गया है। पूरा टाइट हो गया, देखो कैसे भी खुल गया। इसको टाइम लेगा कुछ सेकंड, उसके बाद बोतल रख दो, दो बोतल दो ढाई लीटर काम स्टार्ट हो जाता है। दो तीन लीटर एवरेज रख सकते हो। अभी देखो घूमना शुरू हो गया, मैं जैसे इसे छोड़ूंगा अभी फिर भी ये उस लेवल पे नहीं घूम रहा है, अभी ये पूरा अंदर से टाइट है इसलिए ऐसे घूम रहा है। अगर इसके अंदर कम कपड़े होंगे तो पूरा ये हिलेगा ये। तो मैं इसे छोड़ता हूँ, देखिए आवाज़ पानी के अंदर वाइब्रेशंस आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये धीरे 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 करते करते कुछ देर में ये कम हो जाएगा, पर इसका एक कारण ये है कि पीछे इसका जो लॉक होता है वो लॉक टूटा हुआ है। तो वो लोग आगे वीडियोस के अंदर जब ठीक करेंगे उसे दिखाएंगे, पर आपकी जो प्रॉब्लम है मैंने बता दी, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। दबा के रखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए पानी दोबारा से हिलना शुरू हो गया तेज़ी से, देखिए स्पीड आ गई ना, ये बढ़ती जाएगी स्पीड, बाकी डिपेंड करता है कितने कपड़े हैं। अब इसे छोड़ूंगा तो दोबारा से ढीला हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो जब मैं इसे बंद कर देता हूँ तो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और जब ये वाइब्रेट करना ज़्यादा शुरू होता है तो यहाँ पर स्पेस बन जाता है। तो इसी से आपको आइडिया लग सकता है, बाकी ये हिल रहा है और अभी फिर से डाउन होने लग गया है, कुछ सेकंड में ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दबा के सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को।